हाय गाइस, हसनैन अब्बास रिव्यू वन अनबॉक्स के साथ आज आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ पावर बैंक का। इसका बेसिकली मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी अपने चैनल पे कपल ऑफ वीक्स अगो, और ऑलमोस्ट इसकी थॉरली टेस्टिंग करने के बाद इसका रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो मैं नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट। इसकी जो रिकमेंडेशन दी हुई थी और जो इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, आई डोंट थिंक सो ये ओरिजिनल हैं, और ये बेसिकली आई थिंक इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ है। तो 10,000 mAh का ये बैंक है, लेकिन मैंने इसको जब फुल चार्ज किया तो मैं इसको काफ़ी दिनों इसके बाद यूज़ कर रहा था और अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज किया, और अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं इसके साथ चार्जिंग के लिए। तो इसकी जो कैपेसिटी है बैटरी की, वो 10,000 तो दिखाई हुई है, शो की हुई है, बट ये आई थिंक हार्डली 5,000 mAh का है बिकॉज ये वेरी स्लिम है, और आप जज कर सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से कि यार ये काफ़ी इतना स्लिम है और 10,000 mAh कैसे उन्होंने स्क्वीज़ की है इसके अंदर। एनीवेज, तो अब इसके जो रिकमेंडेशन है मैं नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, इस वजह से कि एक तो ये काफ़ी चीप है रिलेटिवली, यानी 1200 और 1500 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाता है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है, बट जो प्रोडक्ट की जो आपको बेसिकली बैटरी चार्जिंग टाइमिंग्स और प्रोडक्ट्स को चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो बैटरी टाइमिंग नज़र आती है और जो फास्ट पोर्ट्स नज़र आते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली इतने अच्छे नहीं हैं और इतने क्वालिटी के नहीं हैं। तो बेसिकली अगर इसका जो आउटपुट है अगर आपको वो नहीं मिल रही तो देन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू। और इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती और आपकी जो आउटपुट है वो भी फास्ट चार्जिंग में नहीं देखने को मिलती। तो ये रिलेटिवली काफ़ी टाइम के बाद चार्ज होता है, 10,000 mAh उन्होंने शो किया है, बट ये हार्डली आई थिंक 5,000-6,000 होगा। तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, और ये शॉर्ट रिव्यू आपके लिए लेके आया था कि आप लोगों को पता चल जाए, ताकि आप लोग ये ऑर्डर ना करें और परहेज़ करें कि अली एक्सप्रेस या दूसरी किसी वेबसाइट से जहाँ से चाइनीज़ आप मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनको इम्पोर्ट ना करें। और इनके ऊपर काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़ भी लग जाती हैं जो अराउंड 1500 से 2,000 के बीच में हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है आपके कस्टम चार्जेस के ऊपर और प्रोडक्ट की वेट स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे अच्छा आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का ले लें, रोमोज़ का है अवेलेबल पावर बैंक, या बेसिस कंपनी का है, या रॉक कंपनी का है, उनके आप ट्राई कर लें, वो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर होंगे और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, वो ग्लास के भी बने हुए हैं, कुछ में वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ऊपर से इनके पास यहाँ पे एनालॉग डिजिटल होता है डिस्प्ले, जिस पे उसकी बैटरी कैपेसिटी आपको पता चल जाती है कितनी रिमेनिंग है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन है, वो भी बिल्कुल फेड हो जाती है काफ़ी अर्से के बाद। और तो ये रिकमेंड मैं नहीं करूँगा प्रोडक्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और इसकी जो अनबॉक्सिंग थी वो भी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं अपने लिए लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें वीडियो, और नेक्स्ट प्रोडक्ट का कमेंट कर सकते हैं आप कि कौन सा प्रोडक्ट आपको देखने को चाहिए जिसकी आप अनबॉक्सिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन या कोई भी एक्सेसरी। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।